अभी सुबह के बज रहे हैं 2:30, और ये देखो ये 2 बच्चे। इन 2 बच्चों ने मेरी आज नींद हराम करके रखी हुई है। मैं जैसे सोने को जा रही हूँ यार, मियाऊ मियाऊ करके क्यों उठा रहे हो यार? मेरा ऑफ है यार, सुबह अलार्म की जगह आज यही बज रहे हैं, सुख नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज मैं अपना ब्लॉग इस तरह से स्टार्ट कर रही हूँ, सैटरडे और मेरा ऑफ था तो सुबह से मैं बहुत बोर हुई हूँ। और रूम देखो कितना प्यारा बादल दिख रहा है, मस्त मस्त सी स्टॉल जो बहुत ही मेहनती है। इसका आज छोटा भाई नहीं है, नहीं तो इसके साथ छोटा भाई भी होता था। कपड़े जो सूख चुके हैं अच्छी धूप में, बैक्टीरिया जो मर चुके हैं। ये ओम वाला झंडा कितना सुंदर लहरा रहा है, ये सुपर हीरो जाता हुआ साइकिल में। ये तो यूं ही बदनाम है कि पानीपुरी की स्टॉल दिखती नहीं और खड़ी हो जाती। मतलब गौर से देखो यार, लड़के ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं। मैं रोज़ छत पे आती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे देखती हूँ सिर्फ लड़के खाने के लिए आते हैं यार। पापा का छोटा सा परा साइकिल में उड़ता हुआ जाता हुआ। तो ये क्या है भाई, ये कौन सा ट्रैक्टर है? और ये दोनों बाप बेटा यहाँ पे पानीपुरी से अपना पेट भर के जाते हुए। रूम पे रह के मेरा सिर दर्द कर गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना गन्ने का जूस पी के आऊँ। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टॉल है जो छोटा सा लड़का चला रहा है, तो सोच रही हूँ कि उसके पास जाके जूस पी के आती हूँ। यहाँ रात को अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा, और ठंडी हो चुकी है तो गर्मी आने का नाम नहीं ले रही है। अच्छी बात है, गर्मी इस बार लेट आएंगी, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। आज ये सड़ा सा खाना है, तो आज तो भी मैं दही के साथ जुगाड़ लगा के खा रही हूँ। Day 2 और Day 2 की मॉर्निंग है, संडे मॉर्निंग है, तो अब मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रही हूँ। आज जग्गू अकेला यहाँ पे परांठे बना रहा है। जग्गू दूसरे वाले भैया कहाँ गए? झूठा, मैरिड है वो तो। देख सकता आंखें तो है उसके पास। बेटे वो तेरा। अभी तो उसकी आंखें 14 साल की हैं। जल्दी बनाओ मेरे। क्रिस्पी बनाना मेरे। आलू ज़्यादा डालना। नहीं इतना दूंगा। वो तेरे कारण ना ये किचन ना चमक गया अब। तू आग नहीं लगाता ना, तो अंकल टाइले चेंज नहीं करते। तो जहाँ जाता आग लगाता है। इससे पहले कहाँ लगाई है तूने आग? जल्दी बना, जल्दी परांठे ना। अरे मैंने इधर आने का टाइम नहीं, हमारे पास इधर आ जाओ। हाड़ी उत्तराखंड के पहाड़ी, तीजो रोटी नहीं खाई ले? मुझे रोटी खाई ले। जब तू हमारी लैंग्वेज के ना ऐसी तैसी कर देता है। क्या क्या बोला तूने, क्या बोला? बोल, सारे आइया रोटी खाई लिया, झट झट खाई लिया, झट झट। स्पिन हुए ना तो वापस करूंगी मैं। और कल रात की मस्त बारिश के बाद मस्त सी धूप निकली हुई है, और ये रही पीजी की लड़कियां जो कि ऑर्डर लगा रही हैं 8-9 परांठे के लिए। तो मस्त धूप निकली है, तो मैं भी अपने कपड़े फटाफट से धो लेती हूँ ताकि तार में थोड़ी सी जगह मुझे भी मिल जाए। तो ऑलरेडी तारें भरी पड़ी थी, फिर मैं जुगाड़ करके अपने कपड़े सुखा लिए। और ये रहे कबूतर भाई साहब जो मेरे ब्लॉग में आते हुए, और ये सामने पीजी दिख रहा है, वो भी एक पीजी है, गर्ल्स पीजी है, बट दूसरा पीजी हमारा पीजी है। और ये देखो यहाँ मैं बहुत बोर हुई हूँ, तो अब सोच रही हूँ रील्स री शॉपिंग के लिए जाऊँ और खा पी के आऊँगी, तो जाती हूँ अब। तो मैं पहुँच चुकी हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या लेना है। मैं फिर से पूछ चुकी हूँ, तो साबुन ले लेती हूँ, ये तो है ही कंपलसरी है। नहाने वाला साबुन भी ले लेती हूँ, ये भी कंपलसरी है। और क्या लेना था, और क्या ले, हाँ बॉडी वॉश ले लेती हूँ, ये भी कंपलसरी है। तो अब मैं
सब कुछ खरीद के पहुंच चुकी हूँ अपनी फेवरेट वाली जगह पे। भाई इसको बिना खाए तो मैं जा ही नहीं सकती रूम पे, तो आज वैसे भी संडे है और खाना कंपलसरी है। तो मैंने भैया को बोल दिया, भैया मेरी दही वाली प्लेट लगा दो और मिर्ची ज़्यादा रखना और मीठा भी थोड़ा ज़्यादा रखना, ये कॉम्बिनेशन वाली मैं दही वाले गोलगप्पे खाती मुझे बहुत पसंद है। तो भैया ने फटाफट से मेरी प्लेट लगा दी और आज मैंने पूरी वीडियो बनाई है भैया की कैसे कैसे ये बनाते हैं, तो वो भी मैं बाद में डालूंगी। तो ये मेरी प्लेट तैयार हो गई है और खा के बताती हूँ। तो मैंने आज खाए, पहली बार मैंने खाते हुए वीडियो बनाई है। तो जब मेरा मुंह थोड़ा छोटा ना तो गोलगप्पा बड़ा होता है, तो मेरे मुंह में पूरा आता नहीं है, तो इसलिए मेरे को ना हाथ रखना पड़ता है ताकि मैं टेढ़े मेढ़े मुंह ना, मेरा टेढ़ा मेढ़ा जो मुंह है जो ज़्यादा ना दिखे, तो इसलिए मेरे को बार बार ढकना पड़ रहा था। बट मैंने खाए, बहुत टेस्टी हैं, 6 मिलते हैं एक प्लेट में और इसका प्राइस है 20 रुपीज़, तो वर्थ इट है। 20 रुपये में आजकल क्या ही मिलता है। तो भैया ये दही के साथ भर भर के हमें 6 गोलगप्पे देते हैं, तो मैंने 6 खाए, उसके बाद भी मेरी पेट तो भर गया था, नियत नहीं भरी, तो मैंने भैया को बोला पानी वाले भी खिला दो, तो उसके बाद मैंने पानी वाले भी खाए। तो ये 10 रुपये के खाए मैंने, 10 रुपये के मिलते हैं 4 मिलते हैं या 5 मिलते हैं, हाँ 4 या 5, इन दोनों में से एक मिलते हैं। तो मैंने ये भी खाए और उसके बाद जो पेट मेरा पूरा भर गया, नियत भी भर गई। और कौन सी गोली? मुझे बुखार था, खांसी भी थी, तो मैं मेडिकल में गया, तो मैं दवाई लाया बिना डॉक्टर के, सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले से लेके। बाद मेरे को इन्फेक्शन सी हो गई, रिएक्शन हो गया आपको, फिर आप डॉक्टर के पास गए? मर जाओगे भैया, डॉक्टर के पास जाना जरूरी होता है। अगर आप लोगों को कभी ऐसा होता है तो प्लीज डॉक्टर को कंसल्ट जरूर कर लो, इन भैया की तरह खुद डॉक्टर नहीं बनना है आपको। देख लो क्या हालत है, एक दिन में सेहत बना के आ गए अपनी। तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय।